हे गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। और कल 9 तारीख है और कल मुझे कंप्लीट 1 महीने हो जाएंगे मुझे ब्लॉग अपलोड करे हुए। और 1 महीने से मैं बिजी था, मैं थोड़ा आउट ऑफ स्टेट था बाहर। ये मुझे ब्लॉग शूट नहीं करने दे रहा है, हराम इंसान। अभी आज की जो मेरी वॉइस है बहुत ज़्यादा क्लियर आएगी क्योंकि मैं अपना न्यू माइक यूज़ कर रहा हूँ। मेरे पास है बोया MM1, मैंने जस्ट अभी मंगाया है फ्यूचर फॉरवर्ड से और काफ़ी अच्छा आउटपुट है इसका। मतलब रोड जितना तो नहीं है लेकिन हाँ कम प्राइस में बहुत अच्छा आउटपुट है। आज है 8 तारीख और 9-10 तारीख को बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया लॉन्च होने वाला था, तो आई एम हैवीली वेटिंग फॉर दिस और बहुत ज़्यादा मैं वेट कर रहा हूँ। और जैसे ही गेम वापस आता है तो हम ट्राई करेंगे कि 102 वीक के अंदर हम वापस टूर्नामेंट से स्टार्ट कर दें और सारी चीज़ें जितने हमने मिस करी है वो सारी चीज़ वापस स्टार्ट कर दें और अब नहीं रुकना है। और जो आज का व्लॉग है जो आपने देखा है वो रात के 12 बजे करीब आप देख रहे हो और ये मैं अपलोड करने वाला हूँ। ये हरामी इंसान मेरे आसपास घूमे घूमे जा रहा है। गाइस, एक तो ये आप देख रहे हो क्या दिक्कतें चल रही हैं, प्लस में ये पीछे में हमारे है क्राइस्ट कॉलेज में डेली की डेली शाम के टाइम मच्छर मारने वाले जो कुछ गैस होती है वो लाते हैं तो पूरा इलाका पॉल्यूट कर देते हैं। और वो पीछे आपको एक इंसान दिख रहा होगा, मतलब हाँ वहीं पे ब्लैक कलर में, उसे मैं जानता हूँ मैं। गाइस, मेरा बैकग्राउंड ब्लर नहीं आ रहा है मे बी। ओ लगता है आज किसी का बर्थडे है तो वो शादी हो सकती है। शादी, लेकिन ये शादी का सीजन नहीं है ना, तो क्या हो गया? शादी का सीजन नहीं है, बर्थडे हो सकता है। बर्थडे शाम में केक कटता है, दोस्त वगैरह आते हैं तो कोई बम फोड़ रहा वहाँ पे। आज मैं छत पे बहुत ही दिन बाद, मतलब 1 महीने बाद छत पे आया हूँ मैं और मुझे काफ़ी गरम गरम सी हवा लग रही है, बट घर में तो और भी ज़्यादा बुरा हाल है। मैंने आज कूलर साफ कर दिया है। बोलू मैंने आज कूलर साफ कर दिया है, मे भी कल तक लग जाएगा। गाइस, कूलर मैंने नहीं, गोलू ने साफ किया है तो शाम तक कूलर भी लग जाएगा। गाइस, कल है 8 तारीख और कल मेरा है 10 से लेकर 4 बजे तक मेरा अपॉइंटमेंट है वैक्सीन का, तो मुझे जाना है साहिबाबाद सरस्वती कॉलोनी UPHC ऐसे कुछ एड्रेस है और वो कॉपर स्टैंडर्ड के पास है। मे भी मैं नहीं जानता वहाँ पर मैं कल टाइम पे पहुँच पाऊँगा या नहीं पहुँच पाऊँगा, लेकिन वैक्सीन लगवानी ज़रूरी है क्योंकि मुझे बाहर जाना पड़ता है। जैसे भी लास्ट कल नहीं परसों, हाँ परसों भी मैं गया था फरीदाबाद छतरपुर की तरफ, वहाँ पे कुछ काम था तो मे भी रास्ते में चेकिंग हो सकती है। अगर आप बाहर घूमते हैं तो आपसे कोई भी पूछ सकता है कि अपना वैक्सीन का सर्टिफिकेट दिखाइए, और वैक्सीन के सर्टिफिकेट में क्लियरली लिखा हुआ है अगर आप फर्जी आप चीट करते हैं और नकली वैक्सीन के पेपर बना के आप घूमते हैं और अगर आप पकड़े जाते हैं तो आपको 1.5-2 लाख का फाइन है, मुझे कम्प्लीटली याद नहीं है। और अगर ये नहीं हुआ तो आपको 6 महीने तक की जेल हो सकती है। तो गाइस, चीट ना करें, वेट करें कि आपका डेट कब आता है और आप जाके वैक्सीन लगवा लीजिए, क्योंकि अगर आपको बाहर घूमना है, वैसे मैं वैक्सीन नहीं लगवाने वाला था लेकिन अब ये ज़रूरी हो गया, अगर आप बाहर जा रहे तो आपको वैक्सीन की जरूरत पड़ती है। तो कल जाते हैं वैक्सीन लगवाने, कल वैक्सीन लगवाते टाइम मैं शूट तो नहीं कर पाऊँगा क्योंकि मैं बाहर नहीं जाने वाला, मैं कैमरा वगैरह लेके, क्योंकि कल बहुत दिन में बहुत ज़्यादा धूप होती है तो मैं मान ही नहीं सकता कि धूप में ब्लॉगिंग हो सकती है, पसीने वगैरह आते हैं बहुत ज़्यादा, फेस ख़राब हो जाता है तो वो नहीं हो सकता। और मे भी व्हीकल नहीं होगी तो आपको पता ही है बिना दाढ़ी वाला इंसान। हाँ, मैंने भी लास्ट बिना दाढ़ी वाला तो मैं हुई हूँ, कल परसों ही मैंने वापस ट्रिम करा। मैं अब हर 1-2 दिन में फेस पे ट्रिमर मार लेता हूँ क्योंकि कुछ दिन तक क्लियर रहना है फेस, 2-3 महीने बाद वापस बियर्ड मैन बनना है, वापस बाल बाल बढ़ाने, जब तक नहीं रुकना। गाइस, मुझे लग रहा है डार्क हो चुका है, मतलब शाम हो चुके हैं ना, तो इस वजह से अब मेरा फेस डल आ रहा होगा क्योंकि अब चारों तरफ हल्का हल्का ब्लैकनेस ही हो रही है, तो बट कोई बात नहीं, चलता है।
आगे का शूट हम अपने कमरे में करते हैं और आज का भी दिन गाइस पसीना आ रहा है। फाइनली हम नीचे आ चुके हैं और नीचे हमारे फर्स्ट फ्लोर पे कोई भी नहीं था, लाइटें वाइटें सब बंद पड़ी थी और आप देख सकते हो कि मेरे सिस्टम का क्या हाल है। कैमरा, ये चार्जर्स वगैरह, मेरे नोट्स की कॉपी, पेन वगैरह। गाइस अब मैं फाइनली अपने सिस्टम को साफ करने वाला हूँ और ये हकीकत में बहुत ज़्यादा मेहनत का काम है मेरे लिए, बट दिल पे पत्थर रख के मुझे करना ही पड़ेगा साफ। और हाँ, अभी मेरी वॉइस क्लियर नहीं आ रही होगी क्योंकि मैंने फ़ैन ऑन कर दिया है, तो पंखे की थोड़ी थोड़ी आवाज़ आ रही होगी, थोड़ी बहुत ही आवाज़ आ रही होगी क्योंकि मैं माइक यूज़ कर रहा हूँ तो कम ही वॉइस आ रही होगी। और गाइस मे बी जब मैं यहाँ पे खड़ा हूँ इधर तो मेरी वॉइस धीरे आ रही होगी, बट चलता है। वाओ, थैंक यू जिसने मेरे लिए पानी रखा है। मेरे नोट्स अभी तक खाली पड़े हैं, बस हेडिंग बना रखी है, उसको फिल करना बाकी है। ये जो माउस है वो दूसरे सिस्टम का जो उस वाले रूम में रखा हुआ है और ये यहाँ पर शायद भेजे लेकर आ रहे हैं। गाइस मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूँ, लेंस। ये लेंस है टैमरॉन का 70, नहीं दिख रहा होगा आपको, 70 mm to 300 mm, 70-300। ये अभी लेंस मैं परसों आशीष भैया मैं इंडिया से लेकर आया हूँ क्योंकि उनके पास ये लेंस रखा हुआ था, तो मैं अब इसे यूज़ करने वाला हूँ। ये जो लेंस है ये मेनली होता है फोटोग्राफी के लिए। मैं आज भूल गया था कि मुझे आज फ़ोटो शूट कराना है, अदरवाइज मैं फ़ोटो शूट करा लेता, बट कोई नहीं, कल का डे हमारा फुल बिजी डे है तो कल के दिन भी हम शूट नहीं कर पाएंगे। तो देखते हैं परसों 10 तारीख को हम देखते हैं फ़ोटोशूट कराते हैं। और वैसे मैं फ़ोटो वीडियो ज़्यादा अपने इंस्टाग्राम पर डालता नहीं हूँ, बट मैं धीरे धीरे करके मैं अपने इंस्टाग्राम भर दूँगा। फाइनली मैंने अपने सिस्टम को साफ कर लिया है और बड़ी मेहनत लगी है, देखो पसीने भी आ गए हैं मेरे थोड़े से। दिखाता हूँ मेरा सिस्टम कैसा लग रहा है। तो गाइस फाइनली जो मैंने अपने सिस्टम है साफ कर दिया है और मैं भी सिस्टम स्टार्ट नहीं करूँगा क्योंकि मैं चाहता हूँ कि सिस्टम जब मैं स्टार्ट करूँ उससे पहले जो मेरे बच्चों के कुछ थोड़े बहुत भी काम है वो सारे फिनिश हो जाए, उसके बाद कुछ स्टार्ट करेंगे। और गाइस ये जो यहाँ वॉल आर्ट था वो पूरा बिगड़ गया है मेरे वजह से। तो गाइस इसी के साथ मैं अपने आज की इस ब्लॉग को एंड कर रहा हूँ। अगर आपको मेरे ये ब्लॉग पिछले वाले ब्लॉग दो ब्लॉग थे उनसे बेटर लग रहा होगा तो प्लीज़ मेक श्योर यू हैव सब्सक्राइब माई चैनल एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब, सपोर्ट तो थोड़ा सा। गाइस मिलते हैं कल आपसे वापस मेरे ब्लॉग में NCR गेमिंग लाइव। बाय।